This place never fails to rejuvenate me when or what number of times I come out here. Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And today is day 2 at Puri, for the last day for us. And yeah, kal subah ki shatabdi hai and abhi bajaye subah ke 5:30. So I am here in the veranda enjoying this amazing view and also trying to capture the time lapse of the sunrise, but pura sunrise dikh nahi raha because of the cloudy weather. Fortunately barish nahi hui hui hai and it is a very pleasant weather out here. As you can see at the back of mine, and har saal main aata hu yahan darshan karta hu and I feel so better after that. Yahan ki vibe mein kuch alag baat hai boss. So main abhi jata hu andar, darshan karke aata hu, and till then you guys enjoy this time. A few moments later, darshan hue pure aur abhi hum log ja rahe hain Mayfair Hotel breakfast karne. To chaliye chalte hain aur pet puja karte hain yaar. तो मंदिर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको मिलेंगी यहाँ स्ट्रीट साइड मार्केट्स. यहाँ पे आप आ सकते हो, यू कैन गेट कूल स्टफ एट रीजनेबल प्राइसेस एंड या थोड़ा बार्गेन जरूर करना पड़ेगा, बट दे आर गुड. ड्राइविंग थ्रू दी स्मॉल लेन्स रिमाइंड्स मी ऑफ अमृतसर. वहाँ की भी गलियाँ इतनी ही छोटी, इतनी ही बम्पी और इतनी ही फन टू राइड इन. Some chocolate muffin, chocolate donut, chicken, chocolate croissant, and a boiled egg, also some sandwich and sausages. So what I love about this hotel is the lavish spread they have. All the pocket pinch is okay. 550 mein aapko acha khasa breakfast mil jata hai, and it's completely worth it. Perfect start to the day, because as the breakfast was just amazing at Mayfair Hotel, we are just now going to our hotel. And yeah, अरे बाप रे बाप, सुबह धूप निकलने का नाम नहीं ले रही थी और अभी इतनी कड़क धूप आ गई है. ओह चलिए अभी होटल चलते हैं. सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ सूर्यदेव ने अपने तीव्र प्रकोप के माध्यम से हमें जलाने की प्रतिक्रिया को आरंभ कर दिया है. अब बेहतर यही होगा कि हम लोग इस होटल के बरामदे में बैठ के इस व्यू का लिफ्ट उठाएं, ना कि बाहर जाके कलते ही जल के अंदर आएं. देव के तेज प्रकोप का अंत हुआ है इन काले बादलों की वजह से. आ गया हूँ मैं इस अति आकर्षक जगह पे जिसका नाम है पुरी बीच, और यहाँ पे मैं अभी हूँ इन इस महासागर की लहरों का सामना करते हुए. यहाँ पे लहर पे लहर आ जा रही है और मुझे मारते जा रही है, और पहली बार आप YouTube पे देख रहे होंगे किसी बंदे को फोन लेके लहरों में लहरों का सामना करते हुए व्लॉगिंग. यहाँ पे सुहाने सफर का आखिरी दिन का मैं पूरी तरह से लुक आ रहा हूँ, क्योंकि बस पैसा वसूल करना तो अपनी रग रग में है यार. तो मैं उठाता हूँ इस मजेदार समय का लुक, और आप लोग देखते रहिए MB Vlogs का इस लेटेस्ट वीडियो को. लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा. कैमरामैन MB Vlogs के साथ MB Vlogs पूरी बीच. आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन द बीच, वी आर बैक टू द होटल एंड इट्स टाइम फॉर लंच.
सो इसके बाद हम लोग जाएंगे पूरी की छत पे. अब आप गेस करते रहो कि वो कौन सी जगह है, एंड तब तक मैं खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, एंड देन वी विल बी बैक अगेन. भाई ऐसे सस्पेंस में क्यों डालते हो उनको, ऐसे क्यों करते हो तुम, क्यों इतना अत्याचार. पूरी की छत AKA द लाइट हाउस पे मैं पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे अभी मैं जाऊंगा ऊपर, एंड आई रिकॉर्ड सम अमेजिंग टाइम लैप्सेस फॉर यू गाइस. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज समथिंग ग्रेट इज कमिंग अप इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. One eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. So बहुत ज़्यादा चढ़ने के बाद और कष्ट करने के बाद ऐसे ऊपर पहुँच गया हूँ लाइट हाउस के. एंड कहावत तो सुनी होगी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. So here's something amazing for you. Heading towards the Swargdwar market. And yeah, चलते हैं, explore करते हैं और थोड़ी बहुत shopping भी करते हैं. So मैं आ गया हूँ यहाँ Swargdwar की market में. यहाँ पे आपको basically बहुत कुछ मिलेगा, like handlooms, पीतल के बर्तन, यहाँ की special मिठाई, and also you can get clothes for yourself, traditional handmade clothes and much more. So चलिए थोड़ा explore करते हैं. सो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी हैंडलूम की दुकानें हैं. यहाँ ये है हैंडलूम सब. बेसिकली इट इज मोर काइंड ऑफ अ हैंडलूम मार्केट वेर यू कैन गेट कूल स्टफ, लाइक चादर मिल जाएगी आपको, कुर्ते मिल जाएंगे, पजामे मिल जाएंगे, साड़ियाँ मिल जाएंगी, और टी शर्ट्स मिल जाते हैं. एंड फिर यहाँ टॉयज की दुकानें हैं. टॉयज में बहुत डिफरेंट टाइप के टॉयज मिलते हैं, की चेन्स मिलती हैं. इट्स बेसिकली अ मार्केट ऑफ वैरायटी. एंड या यहाँ पे आपको थोड़ा देख के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का ये जो ऊपर वाला रास्ता है, इट गोज टू द जगन्नाथ टेम्पल. सो द ट्रैफिक इज अ बिट रफ आउट हियर. एंड हाँ, जैसा कि आप देख ही सकते हो, यहाँ की स्पेशल मिठाई मैं आपको अभी दिखाऊंगा. सो ये है यहाँ की स्पेशल मिठाई, और ये अपने नाम से ही आपको अपने आप को खाने के लिए पुकारती है, क्योंकि इसका नाम ये है खाजा. तो एक क्विंटल एक कढ़ाई में अच्छा मैदा और चीनी का मिश्रण है. सो दिस इज द मेकिंग ऑफ खाजा. दिस इज हाउ खाजा इज मेड. तो चीनी को गरम कर देते हैं ना, चीनी को गरम करके मैदा इसमें मिला देते हैं. वो मैदा का शब्द पहले है बना हुआ रखा, वो खाजा बनता है, इसके बाद में इसमें डालते हैं. अच्छा, ये चाशनी है. ये चाशनी. अच्छा, 50 किलो चीनी में, चीनी और हल्का पानी. सो दिस इज हाउ खाजा इज मेड. और खाजे को मैदा कितना पतला रहता है? तो पानी में बना होता है, मैदा ये करके हाँ पड़ता है, चाशनी में डुबाया जाएगा इस वहाँ पे बने हुए खाजा को. वहाँ पे जो बना हुआ खाजा है वो डुबाया जाएगा, और देन इसमें वो शाइन आ जाएगी. एंड दिस इज हाउ द फेमस स्वीट इज मेड. We'll be right back.
बीच व्यू, हाथ में कॉफी और साथ में ये नाइट लाइफ, और क्या चाहिए। एक ट्रिप को परफेक्ट तो यही चीजें बनाती हैं बॉस। आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस अमेजिंग अमेजिंग व्यू ऑफ पुरी एंड दिस इज जस्ट अनदर लाइवली साइड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। दिस वाइब इज द वन विच पुल्स मी टाइम एंड अगेन टूवर्ड्स दिस डिस्ट्रिक्ट। आई लव इट। An amazing piece of art made by this person. He's just created this thing on sand. He takes basically 10 to 20 rupees of donation and lets us shoot. This is just amazing. A mermaid created on sand. Like, wow. Artistic level, godlike. इतना ही एंड इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू दिस वंडरफुल डिस्ट्रिक्ट नेम पुरी। एंड तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है पता ही आप लोगों को, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। हम लोग 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो कर दो यार जल्दी भाई की, भाई को हेल्प करो ग्रो करने में ताकि मैं और अच्छी वीडियोज डालते रहूँ। एंड दुआ में याद रखना, अभी के लिए इतना ही। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड डे, गुड बाय, चीयर्स एंड बाय बाय।